हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए ब्यूटीफुल से समर ड्रेस। और ये ड्रेस हमने आपके 4 नंबर और 5 नंबर के लिए बनाई है। दोनों साइज के कान्हा जी को आराम से आ जाएगी। ये देखिए, मैं 5 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ सिंपली यहाँ पे निकर पहना देना है। मैंने इसमें इलास्टिक नहीं डाली है, डोरी लगाई है, तो इससे अच्छे से कान्हा जी को ये ड्रेस फिटिंग में आ जाएगी। थोड़ा इलास्टिक से इतनी फिटिंग में नहीं आ पाती है, डोरी आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने कान्हा जी को निककर इस तरीके से पहना दिया। फिटिंग बहुत अच्छे से आ गई है कान्हा जी की। और ये बनियान या कुर्ती आप कुछ भी समझ सकते हैं। ये सिंपली हमें इस तरीके से कान्हा जी को पहना देनी है। और इसकी फिटिंग भी काफी सुंदर आती है। गर्मी में इस तरीके की ड्रेस आप आराम से कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो ये हमारे कान्हा जी की, देखिए मैंने आपको ड्रेस पहना के दिखा दिया कितना ब्यूटीफुल सा इसका लुक आ गया है। ये देखिए, बहुत अच्छे से कान्हा जी को फिटिंग आ गई है, और बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बना लेते हैं कान्हा जी के लिए ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की ड्रेस बनाने के लिए मैंने चिकन करी वाला कपड़ा लिया है, और ये कॉटन में ही होता है। इसकी मैंने देखिए पट्टी की जो लंबाई है वो 9 इंच ली है, और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 4 इंच ली है। सबसे पहले देखिए, हम एक साइड से नीचे से किनारी से इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके सीधे सीधे सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा धागे साथ के साथ कट करने के बाद दूसरी साइड जो हमारी ओपन है उसको भी हमें देखिए थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसके बीच में हमें एक डोरी लगा देनी है। डोरी लगा के बिना डोरी पे सिलाई चढ़ाए हम सीधे सीधे एक सिलाई लगाएंगे, जैसे हम नेफा बनाते हैं। मैं हर ड्रेस में आपको बताती हूँ। इतना करने के बाद हमें ये कपड़ा इस तरीके से सेंटर से मोड़ लेना है। यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे, और मार्क लगाने के बाद ये जो हमारा दूसरी साइड है, ओपन साइड, ये दोनों साइड हमें पकड़ के इस तरीके से स्टिच कर देनी है। अब स्टिच करने के बाद देखिए, हम ये कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे, और ये जो हमने मार्क लगाया था यहाँ से इसको, जो हमारा जॉइंट है उसको एक साथ रखेंगे, और इस तरीके से तिरछा मार्क लगा के आप यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई को थोड़ा सा पक्का करके इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। और जो बीच का हमारा कपड़ा है देखिए, इसको हमें यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद एक्स्ट्रा धागे निकाल के हम बस इसे पलट देंगे। हमारे यहाँ पे पैंट बन के तैयार हो गई। ये पैंट आप 4 नंबर और 5 नंबर कान्हा जी को पहना सकेंगे। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पहना के भी आपको दिखाया हुआ है। इस तरीके से डोरी खींचेंगे तो हमारा ये निकर यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे बनियान बनाएंगे। बनियान के लिए मैंने 7.5 लंबाई ली है, और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। इतना करने के बाद कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और लगभग 1 इंच लंबाई तक हम हल्का सा तिरछा कट लगाएंगे इस तरीके से। और ये देखिए, हमारा इस तरीके से कुछ वी नेक बन के आ जाएगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी चारों किनारी है उसको हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा फोल्ड करते हुए चारों साइड को इस तरीके से लॉक कर देंगे। अभी देखिए, हमारी चारों साइड लॉक हो गई है। अब हमने यहाँ पे देखिए औरे पट्टी ली है। ये मैंने सिंपल अस्तर का कपड़ा लिया, और 1.5 इंच चौड़ी मैंने औरे पट्टी ली है। अब सीधी साइड से हमें रखना है, हमारा जो नेक है उसके ऊपर इस तरीके से रख के 0.25 का यहाँ पे मार्जिन रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर देंगे पट्टी को। हमने यहाँ पे देखिए पट्टी को स्टिच कर दिया एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके। जो हमारे चारों कोने हैं उनमें हमें हल्का हल्का सा यहाँ पे कट लगा देना है, और इस पट्टी को अंदर ले जाके मोड़ देना है। इसे अंदर ले जाएंगे पूरे कपड़े को इस तरीके से, और इसे अच्छे से यहाँ पे सेट कर देंगे। आप चाहे तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं, थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। अब इतना कपड़ा हमारा अंदर सेट हो गया। अब क्या करेंगे, किनारी की जो हमारे नेक की किनारी है बिल्कुल वहां पे इस तरीके से स्टिच कर देना, जिससे कि हमारा गला यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए, बनियान बनाना बहुत ईजी है। आप बिगनर्स है तो भी आप इसे आराम से बना पाएंगे। बस अब हमें करना है जो नेक है हमारा, उस पर एक लेयर में हल्की सी यहाँ पे लेस लगाते हुए। हमारा पिंक कलर की ड्रेस है तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर की लेस ली है। तो ये चारों कोनों पे इस तरीके से हमें लगा देना है। हमारी बनियान यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। तो गर्मी में इस तरीके की ड्रेस बनाना भी और पहनाना भी काफी अच्छा लगता है। आपके कान्हा जी को भी बहुत पसंद आएगा। तो ये हमारी कान्हा जी की बनियान बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। चलिए इसका लुक देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा कुछ इस तरीके से लुक आएगा। अब इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 इंच की चौड़ी कॉटन की पट्टी कट कर ली है, जिससे हमने ड्रेस बनाई है वही फैब्रिक लिया है। और इस तरीके से दोनों पट्टी को दोनों तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिंपल पट्टी बना के स्टिच कर लेना है। हमारी पट्टी बिल्कुल बनके तैयार हो गई, और ये ड्रेस पे हम नीचे से इस तरीके से सीधे सीधे पट्टी को स्टिच कर देंगे।
एक्स्ट्रा धागों को साथ के साथ कट करेंगे। और ये देखिए हमारी कान्हा जी की गर्मियों की ड्रेस बन के तैयार हो गई है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, राधे राधे।